केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के बीच क्या सब कुछ ठीक हो गया है? विधानसभा के बाहर दोनों का साथ दिखना क्या इस ओर इशारा करता है? अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो पूरी तरह सही नहीं है। केशव ने बीते 24 घंटे में दो ऐसे काम किए हैं जिसकी तस्वीर योगी देख लें तो एक बार फिर दोनों की दूरियां बढ़ सकती हैं। बड़ी बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य ने ये तस्वीरें खुद ट्वीट की हैं। ये पहली तस्वीर है, इसे ध्यान से देखिए। केशव प्रसाद मौर्य के साथ यूपी पुलिस के डीजीपी प्रशांत कुमार, एसटीएफ चीफ अमिताभ यश और कई वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कानून व्यवस्था के हालात की बैठक केशव प्रसाद मौर्य ले रहे हैं, जबकि यूपी में गृह विभाग योगी आदित्यनाथ के पास है। अक्सर गृह विभाग मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं, फिर केशव किस हिसाब से ये बैठक ले रहे हैं? सपा नेता आईपी सिंह तो ये लिखते हैं कि मुख्यमंत्री लाचार है। ऐसे में ये हमने भी जानने की कोशिश की तो पता चला अगस्त 2023 और जनवरी 2024 में भी केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसी बैठक बुलाई थी। हर बार विधान परिषद की कार्यवाही से पहले केशव प्रसाद मौर्य ऐसी बैठकें बुलाते हैं, अधिकारी उन्हें ब्रीफ करते रहते हैं, लेकिन 7 साल में तस्वीर पहली बार सार्वजनिक हुई है। उससे भी बड़ी बात यह है कि इस ट्वीट में केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी को टैग भी नहीं किया है, साथ में भ्रष्टाचार रोकने वाली बात भी लिख दी है, जो बताता है कि उनका इशारा यूपी में बढ़ रही अफसरशाही की ओर हो सकता है। अब दूसरी तस्वीर पर आते हैं। ये 29 जुलाई को हुई ओबीसी कार्य समिति की बैठक की है, जहां से सीएम के पहुंचने से ठीक 2 मिनट पहले दोनों डिप्टी सीएम निकल गए और उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य अपना काम कर गए थे। उन्होंने उस मीटिंग में भी ये कहा कि सरकार के बल पर चुनाव नहीं जीता जाता, बल्कि पार्टी चुनाव लड़ती है और जीतती भी है। 2014 में सरकार थी क्या भाजपा की, बताओ थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते? 2017 में सरकार थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते थे? लेकिन जब सरकार नहीं थी तब जीते, और जब सरकार आ गई तो थोड़ा सोचे कि अब तो हम सरकार के बल पे, सरकार के बल पे चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही लड़ती है, पार्टी ही जीतती है। शायद योगी भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि ओबीसी समाज को साधे बगैर पार्टी का कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए ओबीसी की ताकत की तुलना हनुमान जी से करते हैं। आप में इस समाज में बजरंग बली की ताकत छुपी हुई है, बस उस ताकत को उजागर किए जाने की आवश्यकता है, उस ताकत को उजागर किए जाने की आवश्यकता है। रावण की लंका को जलाने में और उसको दहन करने में बहुत देर नहीं लगेगी। ये जो रावण आज गुमराह करके समाज को आपस में ही लड़ाने का काम कर रहा है, याद रखना, हमारा ओबीसी समाज मजबूत हो यह महत्वपूर्ण है। यूपी में ओबीसी की आबादी सबसे ज्यादा है और इसी बात का फायदा केशव प्रसाद मौर्य को मिल रहा है, वरना बीजेपी जिस तरह से अनुशासन का ख्याल रखती है, केशव को सियासत से साइड होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि योगी को फिलहाल उपचुनाव तक का समय मिला है, अगर तब भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो फिर से केशव के सुर बदलेंगे। शायद इसीलिए केशव लगातार मीटिंग कर रहे हैं और उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। संगठन को सरकार से बड़ा बताने के बावजूद सरकार वाला मुंह नहीं त्याग पा रहे हैं, लेकिन सरकार और संगठन से ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि जनता की कौन सुनेगा। अगर नेता ऐसे ही एक दूसरे की खिंचाई में लगे रहेंगे तो जनता की समस्याओं पर ध्यान कौन देगा? आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं।